से जो जम्मू में कश्मीरी फंसे हुए हैं वो कश्मीर जम्मू से निकलना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कहा जाता है कि आउट ऑफ बाउंड है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती नहीं है, किसी को राशन नहीं पहुंचाती है, तो क्या इन आरोपों में कितनी सच्चाई, कितनी सरकार वहां पे काम कर रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सनम, कोताहियां हैं, लेकिन हमें यह भी मानना चाहिए कि आईसीसी का वर्ल्ड कप तो था नहीं है कि हमें पता था कि 5 सालों बाद वर्ल्ड कप होना है, हमने इस स्टेडियम को इतना रंगीन बनाना है, फ्लड लाइटिंग इतनी करनी है। ये वायरस है, COVID-19 है, अचानक जब इस तरह का प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं बंदोबस्त कमी बेशी रह जाती है, और वही कमी बेशी नजर आ रही है। मैंने खुद भी बड़े सारे कश्मीरी लोगों से मुलाकात की है, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के कार्यालय के बाहर मुलाकात की है, और वाकई में वो जेन्युइन अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमें जाना है, हमारे कुछ लोगों को क्रॉनिक डिजीजेज हैं, कुछ लोग हार्ट पेशेंट हैं, कुछ लोग डायबिटिक है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, वो सब जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुमति नहीं मिल रही। हालांकि कुछ रोज पहले सनम बठिंडी से, सुंजवा से 3-4 गाड़ियां गई हैं, काफी लोगों को कश्मीर, 200 करीब गाड़ी आई है जी, तो उन लोगों को भेजा गया है, उसी सिलसिले में, उसी पैटर्न में आहिस्ता आहिस्ता भेजा जाएगा। बहुत 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 शुक्रिया विनोद कुमार जी। विनोद जी मेरे भी सीनियर साथी जम्मू से, जानकारी जम्मू की दे रहे थे, ट्रेनें आ चुकी हैं, केरला से आई हैं, उसमें कश्मीरी भी हैं, जम्मू के भी हैं, मुल्क के, रियासत के, जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, और जम्मू में जिस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, कश्मीरियों ने इल्ज़ाम बहुत लगाए हैं, लखनपुर में पहला इल्ज़ाम यही लगाया कि वहाँ पर सलूक सही नहीं किया जाता है, वहाँ पर लोगों को उठा के बढ़ा जाता है, और उसके साथ साथ जम्मू में डिविजनल इंतज़ामिया जो है वो कश्मीरियों की सुनती नहीं है, और विनोद जी ने जिस तरह बताया कि मीडिया को भी अंदर आने नहीं दिया जाता है, जम्मू की डिविजनल इंतजामिया के बरक्स कश्मीर में देखा जाए तो वहां सर पे चढ़े लोग होते हैं, सीधा डिवकॉम के ऑफिस जाते हैं, अगर डिवकॉम कर भी नहीं सकता लेकिन फिर भी किसी हद तक उनको समझा बुझा सकता बुझा लेता है, डीसी ऑफिस श्रीनगर में भी वही हाल होता है, डिवकॉम के या डीसी के अंडर जुरिडिक्शन में वो काम ना हो फिर भी वो उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन जम्मू में कहा जाता है कि कहीं डिव काम बैठा है, कहीं डीसी बैठा है, पहले उनका आपस में तालमेल नहीं है, उसके बाद तालमेल के बीच में फंसता है तो आम आदमी, लेकिन जम्मू से लेकर श्रीनगर तक लॉकडाउन की सूरतहाल, और इसी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सूरतहाल उस लॉकडाउन के मुत्सिल नज़र आ रही है जो होना चाहिए था। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो कश्मीरी फंसे पड़े हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ज़्यादा बात नहीं सीधी बात उनकी, क्या कहते हैं वो, सरकार से क्या पहुंचाना चाहते हैं, और बताते हैं सरकार को कि सुनिए सरकार हमारा क्या है हाल, क्या कर रही है सरकार, और ज़रा आप भी सुनिए, ज़रा सुनाते हैं हम आपको मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जो हमें कॉल्स आती हैं उनमें से एक कॉल क्या कहती है। सर एक्चुअली हम यहाँ पे मेरठ में फंसे हुए हैं, 80 स्टूडेंट मेरठ के, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं सर, पिछले 2.5 महीने से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं सर। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी, जितने भी वहाँ के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमने बाज़ाब्ता राबता किया, उन्होंने हमें एश्योर किया था 20 दिन पहले, कुछ लोगों ने बोला कि 15 अप्रैल तक, फिर उनके बाद उन्होंने जब एश्योरेंस दिया कि हम बसेस लेंगे, अब बसेस का भी उन्होंने कैंसिलेशन किया, फिर बोला कि ट्रेन फैसिलिटी आएगी वो भी अभी तक नहीं आई, अब उन्होंने पेड सर्विस स्टार्ट की है, जबकि आगरा से भी कुछ स्टूडेंट्स को निकाला गया और हमें कंटिन्यूअसली इग्नोर किया जा रहा है सर। ओके ओके, तो आपने कहीं जो सरकार में जो नोडल अफसर वगैरह उनसे बात वगैरह की है? सर जितने भी नोडल ऑफिसर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, रिसेंटली मेरे कुछ ऑफिसर से बात हुई है, वो बेचारे मतलब उस डिपार्टमेंट के है ही नहीं, उनको किसी और डिपार्टमेंट से उठा के लगाया जा रहा है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है कुछ घंटों के लिए, फिर उनको ट्रेन किया जा रहा है कि आप ये करो, इवन की ना कोई कॉल उठा रहा है ना कोई किसी को कॉल लग रहा है, मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट स्विच ऑफ है जो भी हमें दिए गए हैं सर। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, आप ये करते क्या है, आप वहाँ पे किस लिए गए हुए थे?
सर हम स्टूडेंट हैं, सभी पढ़ते हैं हम सर, बैचलर्स डिग्री के और कुछ मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं मेरठ की डिफरेंट कॉलेजेस में, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सर। ये बात मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे कश्मीरियों की, जिन्हें लाने के लिए सरकार तो कहती है लेकिन लाया नहीं जाता है। बांग्लादेश में अभी बड़ी तादाद में लोग हैं, ईरान में कश्मीरी फंसे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, और अंदर की बात कहें सऊदीया में फंसे हैं, मुत्तहदा अरब इमारात के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं, और उनको लाने के लिए सरकार क्या कर रही है अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि आज शाम को वज़ीर आज़म खसूसी ऐलान भी करने जा रहे हैं, मुल्क आवाम से खिताब करेंगे, क्या कुछ बताएंगे उस टाइम पता चलेगा। लेकिन इस कोविड के दौरान बहुत कुछ पता भी चला है हमें, कोविड के दौरान हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स जो वैरियर्स हैं उन्हें जिस जान फिशानी से काम किया वो काबिल तारीफ है। लेकिन इसी में एक परेशानी और भी रही, बहुत से लोग इस शोबे से जुड़े हुए थे जिन्होंने काम नहीं किया, जो आज भी नहीं कर रहे हैं। हम एक मिसाल आपको सुनाते हैं, एक कॉलर है हमें, इन्होंने रात को हमें 11 बजे कॉल किया, ये ब्लड प्रेशर के मरीज थे, 3 अस्पतालों के इन्हें चक्कर करना पड़ा लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने इनको नहीं देखा, इनका ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया, वो कोविड के मालूम बहाना बना के इस बुज़ुर्ग का, 70 साल के बुज़ुर्ग का जिसके लिए ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं किया, बहानाबाजी की। आखिरकार इन्हीं डॉक्टरों में से एक और डॉक्टर बहन ने इनकी ट्रीटमेंट की, इनकी इज्जत की, इनको पूरा सम्मान दिया, लेकिन बाकी डॉक्टरों ने नहीं किया। ये कॉलर हमें क्या बताते हैं, ये हम उन डॉक्टर साहिबान को दिखा रहे हैं जो कई बार सवालात उठाते हैं कि हम बयानी जो करते हैं उसमें कई बार हकीकत नहीं होती है, लेकिन ये 70 साल का बुज़ुर्ग जो कह रहा है ये खुद सुनिए, और उन डॉक्टर साहिबान को भी हम सुनने की समझने की गुजारिश करेंगे। अच्छा, मैं आज गया था यहाँ, ये यूनानी डिस्पेंसरी है, हमको यहाँ यूनानी अस्पताल है, वहाँ गया था मैं, और अभी और शोर की तरफ जब जाते हैं वहाँ भी है वो हेल्थ सेंटर। जी जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ब्लड प्रेशर देखिए। हालांकि टिकट विकट वगैरह सब निकाला मैंने, लेकिन यूनानी अस्पताल में डॉक्टर है, उन्होंने क्या किया, मुझे बाहर खिड़की पर खड़ा कर दी, खिड़की के सामने खड़ा कर दिया जी। खुद अंदर हाल में रहे कोई 8 गज दूर जी। तो मैंने उनको अर्ज किया, मैंने कहा यार मुझे एक तो घुटनों पेन सी हो रही है और राइट टांग में ऊपर हिप पर पेन सी हो रही है जी जी। तो मुझे आप इसमें देखिए क्या है ये, क्यों हो रहा है मुझे, मेरी एज जो है 80 ईयर्स है। किस अस्पताल गए थे ये मुझे बताइए। पहले गया मैं हबक यूनानी हबक जो है ना, हबक चौक में है यूनानी, वो क्या कहते हैं वो रिसर्च लेबोरेटरी जी जी, वो मुंसलिक है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये तो। लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, बस दे दिए तो 2 दवाई शीशे दे दी तेल की, ये जी ये मालिश करो। मैंने कहा इससे क्या होगा जी, आप तो मर्ज की तशखीस